हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर राजीव बिंदल की ताजपोशी हो गई है। भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। ताजपोशी में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडे सहित तमाम मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताजपोशी में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल नहीं दिखे, जिसके कई सियासी मायने भी निकलने शुरू हो गए हैं। हालांकि प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार का शुभकामना संदेश समारोह में कार्यकर्ताओं को पढ़कर सुनाया गया, लेकिन दोनों भाजपा के दिग्गज नेता कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। समारोह में प्रदेश भर से सैकड़ों कार्यकर्ता जोश और उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों और पारंपरिक परिधान के साथ पहुंचे। इसके अलावा भाजपा राष्ट्रीय परिषद के लिए चार नाम की घोषणा भी की गई है, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनीता धीमान, मंडी से राकेश चमवाल, कांगड़ा से राजेंद्र गर्ग और शिमला संसदीय क्षेत्र से सुखराम चौधरी के नाम राष्ट्रीय परिषद के लिए मनोनीत किए गए हैं। वही हमारी ताकत है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नमन करते हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं में से मोदी बने, उन्हीं में से जगत प्रकाश नड्डा और उन्हीं में से जयराम ठाकुर। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।